हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस में लाइफ साइंस का पार्ट टू। ये पार्ट टू है, पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाके वहां से विजिट कर लें। उसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करे थे पार्ट वन में, इसमें पार्ट टू में उसी को कंटिन्यू करेंगे और 50 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फ्रेंड चलिए इसमें देखते हैं कि करके इम्पोर्टेंट सब कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद इसको ये सब जितना भी इसमें क्वेश्चन लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब है, रिपीट एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर एच इन ब्लड। आर एच इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे आर एच फैक्टर, जैसे बोलते हैं आर एच फैक्टर किससे रिलेटेड है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, वो किससे ब्लड से रिलेटेड है। तो इधर को इसका आंसर क्या जाए, आंसर किसका हो जाएगा, एंटीजन। आर एच जो ब्लड में होता है वो एंटीजन होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन से। तो कितना क्रोमोसोम पाया जाता है इंसान के बॉडी में, मतलब इंसान में कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो इसमें क्वेश्चन कभी कभी चेंज भी हो जाता है, कि जैसे पूछ लिया कभी कि कितना पेयर, इसमें दो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पेयर पूछते हैं, पेयर तो आपको कितना पेयर बताना है, जिसका पेयर में आ जाएगा 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरपिलर इज ए, तो इसका आंसर हो जाएगा कैटरपिलर इज ए लार्वा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी फाइट्स इन्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर देखो, अपना बॉडी जो होता है इन्फेक्शन से फाइट करता है किसके हेल्प द्वारा, वो इम्यून सिस्टम के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इन्फेक्शन से फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स डिजीज इज फाउंड इन, रिकेट की जो बीमारी होता है वो बोन में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये विटामिन से रिलेटेड है, ये किसके कमी से होता है रिकेट, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स बीमारी होता है। ये कहाँ पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिटेक्टेड आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, विनर एंड लैंड स्टीनर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनर और लैंड स्टीनर ने डिटेक्ट किया था आरएच फैक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज ड्यू टू, तो इंसान का जो स्किन का कलर होता है वो किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वो विटामिन के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, तो ये अराउंड 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी देख लो, 1.36 kg है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज ऑकरिंग ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको डायलिसिस बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, प्लांट का फूड फैक्ट्री किसको बोला जाता है, लीव्स को, लीव जो होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर कैन इज अ टाइप ऑफ, सुगर कैन जो होता है वो टाइप ऑफ ग्रास, एक ग्रास का टाइप है सुगर कैन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड को डोनेट करता है सभी, यूनिवर्सल डोनर मतलब सभी को देता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो ब्लड ग्रुप ओ है। कभी कभी क्या होता है इसमें ऑप्शन में जैसे वो पॉजिटिव वो निगेटिव रहे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है वो निगेटिव में टिक करना है, वो निगेटिव में, और जो सबसे रिसीव कर सकता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप बोलते हैं उसको, ए बी, वो भी याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है, वो न्यूरॉन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। तो देखो इस आपको क्या करना है, इसी तरह ऐसा याद करना है कि डायरेक्ट आपको ऑप्शन ही दिखे, तो उससे क्या होगा आपका टाइम भी सेव होगा, एक एक करके ऑप्शन आप पढ़ेंगे उस टाइप से करने पर क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, तो इसे डायरेक्ट याद रहेगा, तो कभी भी बताया कुछ क्वेश्चन भी याद नहीं रहता, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपका जैसे याद रहेगा क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नॉन एज फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का फादर किसको बोलते हैं हम, कार्ल लैंडस्टीनर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर को ब्लड फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल ब्लड ग्रुप कितना है, फोर, तो इसने क्या किया था, थ्री ब्लड ग्रुप का मतलब इन्वेंट किया था, थ्री ब्लड ग्रुप का, वो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ का ये डिस्कवर किया था, एक बस इतना याद रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्पैग्मोमैनोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पैग्मोमैनोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गेन जो ह्यूमन बॉडी का वो होता है स्किन, इसको याद कर लेना है आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल का डिस्कवर किसने किया था, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वो 120 डेज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आरबीसी कभी कभी दूसरा नाम भी दे देगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इथ्रोसाइट, वो भी कभी भी रहता है, तो ये आपको याद रखना है, कभी कंफ्यूज कर देगा लाइफ स्पैन ऑफ इथ्रोसाइट दे दे तो इसमें भी आपको वो नाम भी याद कर लेना आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का नाम क्या है, इथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल इज ए केमिकल नेम ऑफ, कैल्सीफेरॉल जो है वो किसका, किस विटामिन का नाम है, तो वो विटामिन डी, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, इसको याद करना है आपको। विटामिन वाला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर सारा विटामिन से कौन कौन सा विटामिन है उसमें सब विटामिन का एक वीडियो बनाएंगे, तो वो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, तो इसमें याद रखना है विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, वो भी आप याद रखेंगे, रिकेट्स। देखो ये इसमें आपको विटामिन में क्या क्या है पढ़ना है, जैसे विटामिन का केमिकल नेम क्या है, वो किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उससे उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब आपको याद करना है इसमें। नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड किस कौन सा है, तो ये हो जाएगा लीवर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट होता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें जो वो क्या होता है पूरे शरीर में, वो स्किन होता है, जब लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लीवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड,
स्टडी ऑफ फ्रूट जो होता है उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोमोलॉजी। स्टडी से रिलेटेड टॉपिक हम ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं जिसका लिंक हम दे देंगे कार्ड पे, आपको राइट साइड पे कॉर्नर पे कार्ड मिल जाएगा, वहां से आप इसको भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट, इससे एक नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, आरआरबी जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको 15 से 20 में इंपॉर्टेंट हम कवर किए हैं, उस सबको आपको देख लेना है। हम कार्ड में दे देंगे राइट में, उसको आप विजिट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड अप इन। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर, ऑप्शन ए। लीवर में क्या होता है, विटामिन ए स्टोर होता है जाकर, विटामिन ए किसी भी चीज से मिलता है वो सब क्या होता है, लीवर में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो विटामिन इसमें याद रखना है आपको, लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। नेक्स्ट, द मैमल विच प्रोवाइड एग, इसमें वो कौन सा मैमल है जो कि अपने बच्चों को जन्म नहीं देती है बल्कि अंडे 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 देती है, तो वो कौन सा है, डगबिल प्लेटिपस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डगबिल प्लेटिपस जो होता है मैमल ग्रुप में इसको काउंट करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, अपने बच्चे को जन्म नहीं देती है बल्कि अंडे देती है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें और फ्रेंडों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी इसे कर लें, क्योंकि हम इसी तरह कंटिन्यू इसमें इस सेशन में जो पार्ट चल रहा है Part-2, इस सेशन में अराउंड 200 क्वेश्चन आप कवर करेंगे। तो आप क्या करें, अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल भी सामने दबा देंगे, ताकि आपको इस तरह